ये लड़की इस नैरो पाइप में छुपी हुई है, एक भूखा शेर उनका इंतजार कर रहा है। वो नीचे ना गिरे इसके लिए उसने अपने पैर और हाथों को दीवार से चिपका रखे हैं। मगर भूखा शेर ये नहीं जानता कि उनका डिनर तो ऊपर तैयार हो रहा है। अचानक से उनका फोन बजता है, ये पुलिस का होता है। मगर सातीर शेर उनके फोन का तो कीमा ही बना देता है। तभी वो नीचे की ओर गिरती है, मगर जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल लेती है। तभी उनके पसीने का एक बूंद फर्श पर गिरता है। शेर इससे अट्रैक्ट होता है, वो पसीने को चाटता है, उसे डाउट होता है। तभी वो ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर केली लटकी हुई है। मौत को करीब आते थे केली अपना पूरा जोर लगाती है। आखिरकार वो पाइप की मदद से ऊपर के कमरे में पहुंच जाती है। फर्श पर गिरकर वो हांफ रही है। तभी वो अपने पास किसी को देखती है, वो डर जाती है। मगर ये उनका भाई डेन होता है। वो अपने भाई के साथ एक कमरे में आ जाती है। वो मदद के लिए कंप्यूटर का यूज करती है, मगर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। वो चिढ़ जाती है। तभी टाइगर दरवाजे के ऊपर जोर से वार करता है। केली फर्श पर परफ्यूम स्प्रे करती है। बाद में दोनों बेड के नीचे सूख जाते हैं। अब शेर उनको ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है। परफ्यूम की स्मेल की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाता। बाद में शेर बेड पर चक लगाता है, मगर केली श्योर नहीं है कि टाइगर चला गया है या नहीं। तभी अचानक से टाइगर 2010 के आईपीएस